नमस्ते, सदावत्सल्य मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं चेक डिसऑनर की, सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट। हम सब जानते हैं कि एनआई एक्ट के धारा 138 के तहत जो चेकें डिसऑनर हो जाती हैं, यानी कि चेक बैंक में लगाई और लगाने के बाद वो किसी भी कारण से डिसऑनर हो गई, ऐसी परिस्थिति में ये क्रिमिनल केस बनता है। ये जब तक 138 क्रिमिनल नहीं बनाया था तब तक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत मुकदमा सीपीसी में फाइल होता था, सिविल का फाइल होता था। लेकिन जैसे ही 138 में संशोधन आया और उस संशोधन के बाद चेक डिसऑनर होने की पोजीशन में डबल पेनाल्टी और जेल के भी प्रावधान रखे गए, तो वो क्रिमिनल केस में फाइल होने लगा। सेक्शन 138 ने इतना काम किया कि देश भर में लोगों को ये डर लगने लगा कि अगर चेक डिसऑनर हो गई तो बड़ी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं, इसलिए चेक काटने से पहले 100 बार सोचना। ये एक केस ये पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का आया। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के सामने जिस समय ये केस आया उस केस में अजीबोगरीब टाइप का एक क्लेम किया गया, 24% इंटरेस्ट का। अंजू बनाम रमा गुप्ता, ये कुछ प्लास्टिक का खरीद फरोख्त हुई, प्लास्टिक का दाना था या कोई इवेंट था, प्लास्टिक का कोई चीज़ खरीद फरोख्त हुई। उस खरीद फरोख्त में चेक दिया गया, वो चेक और फिर उसका कुछ टाइम दिया गया, दोनों के बीच में जब डिस्प्यूट हो गया तो एक एग्रीमेंट हो गया। एग्रीमेंट ये हो गया कि भाई 5 चेकें हम आपको देते हैं और 5 चेकों में ये पेमेंट आपके नाम चला जाएगा, धीरे धीरे करके आप ले लीजिएगा। बात क्लियर हो गई कि भाई 5 चेकों में जाना है। 5,05,000 रुपये का, ये बात सन 2013 की है, आज से 11 साल पहले की, 5,05,000 रुपये का, 5,05,000 रुपये का ये मटेरियल का सामान का मामला है। 5,62,000 रुपया पेमेंट किया गया, यानी कि आप मान के चलें कि 57,000 रुपया मोर पेमेंट किया गया, यानी कि उसमें इंटरेस्ट रेट लगा दिया गया। मजे की बात ये है कि जो 5 चेकें थीं, ये 5ों चेकें एक एक करके लगाई गई, पैसा भी निकाल लिया गया और कैश हो गया। इसके बाद सेक्शन 138 का केस फाइल हुआ, यानी कि ये जो अंजू हैं ये बड़ी प्रताड़ित थी, इनको ये लग रहा था कि भाई ये तो बड़ा गलत हो गया, और इन्होंने जाकर एनआई एक्ट का 138 का ही केस डाल दिया और ये कहा कि इनकी रमा गुप्ता ने इंटरेस्ट नहीं पे किया। 24% का इंटरेस्ट लगाकर उन्होंने और क्लेम कर दिया कि भाई इतना पैसा हमें देना है। हाई कोर्ट, नीचे वाले कोर्ट से हाई कोर्ट में मामला गया। हाई कोर्ट ने ये कहा कि भाई इन सभी मामलों में एक बात तो निश्चित है कि होल्डर इन ड्यू कोर्स ही पैसा ले सकता है। एक बात ध्यान रखिएगा, सेक्शन 80, 81, 79, इसमें एक चीज़ क्लियर है, आपके पास चेक है, मतलब किसी ने मुझे चेक दिया, मैंने बैंक में लगाया और बैंक में लगाने के बाद वो डिसऑनर हो गया, सामने वाले के खिलाफ मैंने केस किया, अगर सामने वाला उसको स्वीकार कर लेता है कि हाँ पेमेंट देना है तो बात अलग है, लेकिन अगर सामने वाला ये डिस्प्यूट कर देता है कि ये होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है। होल्डर इन ड्यू कोर्स उसको कहते हैं जो किसी के एवज में पैसा दिया गया हो, यानी कि कुछ मुजरा किया गया हो, कुछ सेट ऑफ किया गया हो। मुजरा या सेट ऑफ का मामला ऐसा है कि होल्डर इन ड्यू कोर्स वो व्यक्ति है जिसको कंसिडरेशन के लिए दिया गया हो, यानी कि प्रतिफल के रूप में दिया गया हो। अब प्रतिफल के रूप में दिया गया हो मतलब क्या है? प्रतिफल के रूप में मतलब यह है कि ऐवे ही मैंने चेक किसी को दे दिया और उससे कहा कि जाओ तुम अपने अकाउंट में लगा लो और पैसा निकाल कर मुझे दे देना। मैंने अपने चपरासी को चेक काट कर दिया, उसके नाम से काट दिया, उसका आइडेंटिफिकेशन सिग्नेचर कर दिया, वो बैंक के पास गया और बैंक के पास जाकर उसने कहा कि इसमें पैसे दे दो। बैंक कहता है अकाउंट में सफिशियंट बैलेंस नहीं है, नाम तो उसी के चढ़ा हुआ था, और वो चेक रिजेक्ट कर दिया। अब मेरा चपरासी जाकर कोर्ट में केस फाइल करता है और कहता है कि मेरे मालिक ने मुझे एक चेक दिया था, वो चेक मेरे नाम से था और ये डिसओनर हो गया, इसलिए सेक्शन 138 की कार्रवाई करते हुए इनको सजा बोलिए और मेरा पैसा दिलवाइए और पेनाल्टी साथ में लगाइए। मैं अगर उसको ये कोर्ट को ये कहता हूं कि मैंने इसको पैसा निकालने के लिए दिया था, इसका कोई मेरे ऊपर देनदारी नहीं थी, कुछ मेरे ऊपर बकाया नहीं था, ऐसी परिस्थिति में मैं डिस्प्यूट खड़ा करता हूं कि ये होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है, यानी कि किसी प्रतिफल के लिए इसको मैंने चेक नहीं दिया, मुझे पैसा इनको देना नहीं था,
मैंने इसको दिया क्योंकि पैसा मुझे निकाल कर देना था या मुझे पैसा वापस मिलना था, इनकी कोई लेनदारी नहीं है। ऐसी परिस्थिति में एनआई एक्ट कहता है कि चेक बाउंस होने के बावजूद कोई लायबिलिटी नहीं बनती, और जितनी लायबिलिटी बनती है उतनी लायबिलिटी अगर डिस्चार्ज हो गई है, सपोज 5 लाख रुपया उसका मेरे ऊपर बनता है, सैलरी नहीं दी या कुछ और का पैसा, मतलब कर्जा मैंने लिया था, कुछ किया था, तो 5 लाख रुपया अगर मेरे ऊपर था और मैंने 5 लाख का उसको चेक दिया और एग्रीमेंट के दौरान मैंने नहीं लिखा था कि इस पर इंटरेस्ट लगेगा, एग्रीमेंट के दौरान ये नहीं लिखा था कि इसका बाउंस होने की पोजीशन में या डिले होने की पोजीशन में या इतने दिनों में, जब आप 6 महीने में पैसा दोगे, 1 साल में पैसा दोगे, तो इसमें इतने परसेंट इंटरेस्ट जोड़कर लगना, ये कोई एग्रीमेंट का पार्ट नहीं है, ये लेजर का पार्ट नहीं है, ये अकाउंट बुक्स में नहीं लिखा। दो लोगों के बीच में इस केस में, अंजू बनाम रमा गुप्ता, इस केस में दो लोगों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कोई माल सप्लाई हो गया, सप्लाई उधार हो गया, उधार की उधारी भरने के लिए 5 चेक काट दिए गए, 5 चेकों में एक मिनिमम इंटरेस्ट का पैसा बढ़ा कर दिया गया, पैसा लेने वाले ने ले लिया, सारा पैसा जो चेक में था वो सब निकाल लिया। अब वो केस फाइल करता है इस बात का कि मेरे इंटरेस्ट का पैसा नहीं दिया जो 24% इंटरेस्ट लगना चाहिए, और ये 24% इंटरेस्ट ना तो एग्रीमेंट में लिखा है, ना ही लेजर पे चढ़ा है, ना ही अकाउंट बुक्स में चढ़ा, कहीं ये 24% इंटरेस्ट नहीं चढ़ा हुआ है। सामने वाला उस पर डिस्प्यूट करता है और वो कहता है कि मुझे ये 24% इंटरेस्ट की जानकारी नहीं है, जो इंटरेस्ट मुझे देना था मैंने बढ़ाकर पैसा तुमको दिया, हमारी मौखिक बात हुई थी वो हमने बढ़ाकर दिया और तुमने स्वीकार कर लिया। और अभी हाई कोर्ट ने ये कहा कि वो होल्डर इन ड्यू कोर्स एक्स्ट्रा इंटरेस्ट के पैसे का नहीं है, क्योंकि जो इंटरेस्ट आप लगा रहे हो वो ना तो एग्रीमेंट का पार्ट है और ना ही इसका ना उसका, और आप पैसा स्वीकार कर चुके। हाई कोर्ट ने कहा ये बात हम आपकी तब मान सकते थे जब चेक लगाया गया था, चेक आप लगाते नहीं, चेक जब आपको दिया गया था, अमाउंट जब आपको भरा गया था, तो आप ये कहते कि इसमें इतना इतना इंटरेस्ट और लगाकर नया चेक दीजिए, और तब डिस्प्यूट खड़ा करते और क्लेम करते कि इस पे इंटरेस्ट नहीं लगा हुआ है, मेरा पैसा तुम्हारे ऊपर बाकी है। चूंकि आपने जो उन्होंने काट कर दिया उसका पैसा आपने विड्रॉ कर लिया, इसलिए इस मामले में कहीं से भी किसी भी प्रकार से आपकी इसकी लायबिलिटी नहीं बनती, और ये एनआई एक्ट की धारा 138 का केस नहीं बनता, क्योंकि होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है, ये फुल्ली डिस्चार्ज हो गया, ये मामला फुल्ली डिस्चार्ज हो गया, इसलिए इसमें आपका किसी प्रकार का कोई भी क्लेम नहीं बनता, और जो केस हो चुका है, मतलब जो पेमेंट हो चुका है, वही फाइनल डिस्चार्ज वैल्यू है। डिस्प्यूट दोनों में से कोई खड़ा नहीं करता कि ये पैसा नहीं दिया, ये भी नहीं करता कि ये पैसा क्यों नहीं दिया, ये भी नहीं कह पा रहा है कि पैसा बढ़ाकर क्यों दिया एग्रीमेंट के पार्ट से, लेकिन जो कुछ भी पैसा दिया गया है उस पैसे पर इस प्रकार का क्लेम नहीं किया जा सकता, इसलिए सेक्शन 138 का जो केस फाइल किया था इंटरेस्ट के पैसे को लेने का, वो इंटरेस्ट के पैसे के केस को ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्वैश करते हुए ये कहा कि अब तुम्हारा कोई क्लेम नहीं बचता, आपकी मौखिक कोई भी बात हुई होगी, आपका डिले हुआ नहीं हुआ क्या तय हुआ ये रिकॉर्ड पर नहीं है, इसलिए ये मामला मेंटेनेबल नहीं है। 482 CRPC के तहत एनआई एक्ट की धारा 138 का ब्याज को पेमेंट करने के लिए जो केस फाइल किया गया है वो मेंटेनेबल ही नहीं है। मुझे लगता है कि अच्छा एक केस कोर्ट ने दिया है और ये एक अच्छा जजमेंट है कि भाई इंटरेस्ट जब आपने कहा नहीं था, कोई लेजर में नहीं, कोई वो नहीं, कोई नहीं, जबरदस्ती आपके हाथ में चेक आ गया ब्लैंक, आपने भरा और लगा दिया, और आप कहते हो नहीं इतना पैसा चाहिए हमको, आप उससे पहले पेमेंट स्वीकार कर चुके हो, सारा पेमेंट स्वीकार करने के बाद आप अभी और मांग रहे हो,
तो ये बात उन्होंने कहा बिना एग्रीमेंट के कोई किसी प्रकार का कोई क्लेम नहीं बनता, क्योंकि होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है, जितना पैसा था उतना डिस्चार्ज हो चुका है, उससे एक्स्ट्रा पैसा दिया गया उसका कोई क्लेरिफिकेशन नहीं दे पा रहे हो कि आखिर एक्स्ट्रा पैसा आपने किस एवज में लिया, क्योंकि जो रिस्पॉन्डेंट है वो ये कह रहा है कि हमने इनको जितना इनका ड्यू था उससे ज़्यादा पैसा इसलिए दिया क्योंकि इंटरेस्ट हमें देना था, हमें 24% इंटरेस्ट का कोई फार्मूला इसमें नहीं था, इसलिए हम इनको किसी भी प्रकार का पैसा देने के लिए लायबल नहीं। हाई कोर्ट ने उसको स्वीकार किया और स्वीकार करते हुए पिटिशनर की पिटीशन को डिसमिस किया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।